नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं देव भारद्वाज और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। भारत में कई किसान भाइयों का ये कहना है कि अगर हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे कम समय के अंदर हमें अधिक मुनाफा देखने को मिले। आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो जैसा कि आप ये पीछे मेरा फार्म हाउस देख पा रहे हो, ये 2 एकड़ का फार्म हाउस है। इस 2 एकड़ के अंदर मैंने खीरे की फसल लगाई है और आज का मैं अपने फार्म हाउस पर आया हुआ था, तो सोचा आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो बना दे जो आपको एकदम मज़ा आ जाए। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अभी घर पे जाना था मेरे को, तो मैं सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे किसान भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप खीरे की फसल लगा रहे हो ना, तो लगाओ, लेकिन आप ऑर्गेनिक तरीके से लगाओ। क्योंकि अगर आप केमिकल यूज़ करोगे तो वायरस से आपका प्रोडक्शन ही देखने को नहीं मिलेगा, बेचोगे क्या मंडी में आप। मैं क्या ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ अभी, मैंने क्या किया कि पहले इसके अंदर अच्छा खाद डाला, ऑर्गेनिक खाद डाला, जैसे कि जिप्सम वगैरह, ब्लैक जिप्सम वगैरह, माइकोराइजा, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद, ये अन्य खाद ऐसे, मतलब ऑर्गेनिक जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जो ज़मीन को चाहिए न्यूट्रिशन, वो वाले खाद इसके अंदर डाले। ये खाद डालना ज़रूरी है मेरे किसान भाइयों। आप सोच रहे हो कि मतलब एक केमिकल का स्प्रे कर देगी ये सही हो जाएगा, मतलब केमिकल का स्प्रे क्या सोच समझ के कर रहे हो आप? ये केमिकल का स्प्रे मतलब आपको कोई केमिकल खिलाया सही लगेगा क्या आपको? ये भी एक जीव है मेरे किसान भाइयों, इनको क्या है कि एकदम उनको भी एक अच्छी पोषक तत्व चाहिए, जैसे कि अपन बादाम खाते हैं तो इनको भी ये चाहिए, जिप्सम वगैरह ये खाते हैं ये। तो मैं किसान भाइयों में क्या कि है ना, पहले इसके अंदर अच्छा वगैरह ये सब खाद डाला, इसकी गहरी गहरी जुताई करी, फिर आराम से इसकी मिट्टी की बेड बनाई मैंने। मिट्टी की बेड बनाने के बाद मैंने इसके अंदर ड्रिप वगैरह बिछाई और 30 माइक्रोन की मल्चिंग मैंने इसके अंदर बिछाई। फिर मतलब इसको 10 दिन तक मैंने इसे खुला छोड़ दिया, इसके अंदर एक भी मैंने कुछ बीज वगैरह कुछ नहीं लगाया इसके अंदर। क्या कि जो अपने ये सब खाद डाला और क्या कि मल्चिंग बिछा दी, फिर क्या इसके अंदर हीटिंग होती है। अगर आप इस हीटिंग के दौरान आप इसके अंदर ये बीज वगैरह लगा दोगे ना, तो मतलब वो बीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, बीज भी जल जाएगा, या फिर आगे जो बीज उग भी गया बाई चांस वो बाद में आपकी प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम आपको पता ही वायरस लाएगा। तो मैंने 7 या 8 दिन या फिर 10 दिन तक इसको मैंने खाली छोड़ दिया इसको। 1 सितंबर के दिन हाँ, मैंने इसके अंदर हल्की हल्की थोड़ी वाटरिंग ज़रूर करी थी, ध्यान रखना, क्योंकि आपको हल्की हल्की वाटरिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि इसके अंदर नमी बनी रहे। तो फिर मैंने 1 सितंबर के अंदर अपनी खीरे की ये बीज वगैरह लगा दिए और आज मेरी खीरे की फसल 20-22 दिन की और एकदम तंदुरुस्त खीरे की फसल है। अगर आप तरीके से खीरे की फसल करोगे तभी आपको मुनाफा मिलेगा, नहीं तो अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। ये खीरे की फसल एकदम रिस्क वाली फसल है, आप रिस्क पे लगा सकते हो, लेकिन मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, मेरे को क्या रिस्क है। अगर मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो ये 2 एकड़ का खेत है, तो आराम से जैसे ये देख पा रहे हो 2 एकड़ का खेत है, इसके अंदर मेरी खीरे की फसल एकदम तंदुरुस्त है, अगर मेरे को एकदम अच्छा भाव मिल जाता है ना, तो मैं आराम से आप कितना कमा सकता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। आराम से मैं इससे 4-5 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ इस खीरे की फसल से, 2 एकड़ से, अगर मेरे को अच्छा भाव मिल गया तो। ऐसे नॉर्मल तो मैं वैसे भी घाटे में नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक फसल है, तो मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा इसके अंदर खर्चा किया नहीं जो मैं एकदम घाटे में जाऊँ। एकदम कम समय के अंदर अधिक मुनाफा देने वाली फसल है, क्या है कि ये 40 दिन के अंदर इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, 30-40 दिन का प्रोडक्शन होता है। जैसे अभी तो ये पौधा तो अभी यहाँ से छोटा ही है, तो 30-40 दिन का ये इसके अंदर प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तो मेरी खीरे की फसल 20 दिन की है, अभी तो प्यारी सी छोटी सी फसल 20 दिन की फसल है, और 20 दिन बाद ये फ्रूटिंग देना स्टार्ट करेगी, मतलब फ्रूट देना स्टार्ट करेगी। मेरे किसान भाइयों, ये एकदम मज़ा आ जाएगा एकदम, मैं आज खुश हूँ कि मेरी खीरे की फसल एकदम सफल है, और ज़्यादा नहीं है, 70 से 80 दिन की ये फसल रहती है आराम से, 70 से 80 दिन के अंदर ये खीरे की फसल आपकी एंड हो जाएगी, ज़्यादा टाइम की नहीं है। यानी इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि कम समय के अंदर अधिक मुनाफा वाली ये फसल है, मतलब कम समय तो हो गया और मुनाफा भी आपको अधिक होगा अगर आप तरीके से खीरे की फसल करोगे, क्योंकि अगर आप केमिकल करोगे तो मत आओ इस खीरे की फसल में, बोल के भी मत आना आप, क्योंकि आप किसी काम की नहीं रहेगा फिर आपकी फसल, प्रोडक्शन ही नहीं देखने को मिलेगा तो मंडी में बेचोगे क्या आप। तो मैं तो आराम से मस्त होकर खीरे की फसल लगा ली एकदम अच्छा वगैरह खाद वगैरह डाल के। मेरी यही आशा है कि आप जैविक खेती करें, जैविक खेती मतलब बहुत, जब से मैं जैविक खेती में लगाऊँ तो मतलब मैं ज़्यादातर मुनाफे में रहता हूँ, कोई मेरे को रोग देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये छोटा मोटा ये रोग है, जैसे ये पत्ते थोड़े से मुड़ रहे हैं इसके अंदर, इसका तो मतलब ये नॉर्मल से स्प्रे कर दूंगा, जैसे 15 लीटर पानी के अंदर मैं 40 ml नीम ऑयल मिला के स्प्रे कर दूंगा, आराम से कोई रोग ही नहीं बचेगा फिर, मतलब आराम से मस्त होकर आराम से वीडियो बनाता हूँ,
मेरे किसान भाई आराम से आपके लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसी खुशी के ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। और हाँ, इसका जब प्रोडक्शन मिलेगा तब मैं आपके लिए ये एक और वीडियो बनाऊँगा कि आखिर मेरे को कैसा प्रोडक्शन मिला। मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे किसान भाइयों तक पहुँचाऊँ, क्या है कि वो भी आराम से अच्छा मुनाफा कमाए। जो किसान खेती में घाटा खा रहे हैं उनको भी मेरी वीडियो पहुँचाओ, जिससे कि वो मुनाफे में आ सके, अपना प्रॉफिट निकाल सके। मेरे किसान भाइयों, आप मेरी वीडियो को आराम से शेयर करें।